सबसे पहले जोहार, जो हमारे भाई लोग उधर घूम रहे हैं, यहां पर आसपास घूम रहे, पहले पांडल में आ जाए, क्योंकि जो ये कीमती समय सब लोगों ने मेहनत किया है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, और सुबह 10 बजे से सब लोग लगे थे, तो कुछ लोग इधर उधर घूम रहे हैं, पांडल में आके बैठ जाए। साथियों, संचालन महोदय ने मुझे बोला है कि कुछ समय में ही आपकी बातों को कंप्लीट करना है, तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारे मुख्य वक्ताओं ने बहुत सारी चीजें बता दी है। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि जो हम अधिकार की बात कर रहे हैं, हमारे अधिकार की बात करें, अभी जीता जाता जागता उदाहरण, कुछ समय के लिए लाइट गई थी ना, आज हमारा अधिकार था तो हमने इस क्षेत्र के विद्युत मंडल के अधिकारी को फोन किया, साहब लाइट क्यों गई है? उन्होंने जवाब दिया कि 10 मिनट में लाइट आ जाएगी, हम अलराजपुर बात कर रहे हैं, फालतू बात, ये हमारा अधिकार था तो हमने बात किया, हम इसी अधिकार की बात कर रहे हैं ना। अभी इस क्षेत्र में पूरे जिले में बहुत बारिश हो रहा था, हमारा जो ककराना का क्षेत्र डूब में जा रहा था, लेकिन इस जिले के जनप्रतिनिधि हो या कलेक्टर महोदय हो या इस क्षेत्र के एसडीएम महोदय, उनका ध्यान उस ओर नहीं गया कि हमारे जो लोग हैं जो डूब में जा रहे थे, उन्होंने जब 3 दिन पानी कंटिन्यू गिरा, कोई भी अधिकारी कोई भी जनप्रतिनिधि उनके और घर और नहीं गए और उनसे चर्चा भी नहीं की कि ये 3 दिन से पानी गिर रहा है तो आपको खाने पीने की व्यवस्था मिल रही कि नहीं मिल रही, आप लोगों को घर जो डूब में जा रहे हैं ये बह सकते हैं, ऐसी जानकारी नहीं ली। हम लोग, हमारी टीम ककराने गई और वहां पर चर्चा करी, हमने वहां के कुछ लोगों से आसपास जिनके घर डूब रहे थे वहां बात करी, उनका स्पष्ट कहना था अभी तक कोई हमारे पास ऐसा अधिकारी नहीं आया कि आपका घर डूबा है और 2 इंच पानी बढ़ चुका था, इतनी लापरवाही। हम लोग गए, हम लोगों ने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर उसे वायरल किया, न्यूज लगाई, उसके बाद इस क्षेत्र के एसडीएम महोदय और कलेक्टर महोदय की नींद खुली, उसके बाद से 2 दिन से लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, ये हमारा अधिकार था, हमने बात रखी तो यहाँ के प्रशासन शासन की नींद खुल रही है। हम इस अधिकार की बात कर रहे हैं, जैसे इस क्षेत्र की बात करता हूं मैं आप लोगों को, जो सरदार सरोवर जो डैम बना है, इतना बड़ा डैम बना है करोड़ों की लागत से, और जमीनें गई हमारी ककराना मथवाड़ की, हम लोग उस समय जागरूक नहीं थे या हमारे जनप्रतिनिधि उस समय सोच नहीं पाए, क्योंकि ककराना जो डैम बना है हमारी जमीन नहीं जाना था, और उस जो डैम बना है उसका लाभ पूरा गुजरात ले रहा है, हम लोग लाभ ले पा रहे क्या? जब डैम बना और जब हमारे लोगों का घर सर्वे किया गया कि आप डूब क्षेत्र में आ रहे हैं, तो हम लोग, हमारे जो किशोर भाई जो यहाँ का सक्रिय कार्यकर्ता जयस के थे, जिनके गांव घर गए, हम लोग वहां पर चर्चा करी, तो उनके पिताजी का कहना था कि हम हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी से हम लोग यहाँ रह रहे थे, लेकिन आज वो डैम बनने से हमारा घर चले गया, तो विस्थापित हमारे लोग हुए। आज वो डैम की अवस्था ऐसा होता तो हम उसका लाभ होना था तो हम लोगों को लाभ मिलता, अभी तक ना पानी मिला है ना इस तरह से कोई ऐसा मुआवजा मिला है, तो कहीं ना कहीं हम हमारे जनप्रतिनिधि या इस क्षेत्र में जो कलेक्टर महोदय हो, एसडीएम महोदय हो, वो इस क्षेत्रों में कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सीधा सीधा इस मंच से बात करना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा घोटाला कठीवाड़ा में हुआ है, क्योंकि अधिकार की बात हो रही है मुझे बात रखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। कठीवाड़ा में बहुत बड़ा घोटाला हुआ करोड़ों का, हुआ ना करोड़ों का, वो एक कर्मचारी होने के बावजूद भी उस मीडिया में साबित हो चुका है कि वो एक इतने बड़ों का करोड़ों का घोटाला हुआ, जिसमें हमारे कर्मचारियों का, हमारे लोगों का पैसा था, उन्होंने उनके घर में फैमिली में ट्रांसफर कर लिया, तो उसपे क्यों हमारे जनप्रतिनिधि बात नहीं कर रहे हैं?
वो पैसा किसका था, और वो आदमी आज भी उस बाजारों में फुर्सत में घूम रहा है। उसके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, उसकी गिरफ्तार नहीं हुई है। तो क्या चल रहा है जिले में? हम अधिकार की बात कर रहे हैं तो कौन से अधिकार की बात कर रहे हैं? अधिकार की बात होना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल जाना चाहिए। जाना चाहिए कि नहीं, कि नहीं जाना चाहिए? करोड़ों रुपए हमारे लोगों के हैं, ना कि उनके बाप के हैं। ये करोड़ों लोग रुपए हमारे टैक्स के पैसे भरे हुए हैं। हमारा समाज इतना दूझ रहा है, उसके लिए कोई बात नहीं करता। जब चुनाव की बात आती है, बोलना नीचे, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो हमारे लोगों के पास हमारे जनप्रतिनिधि पहुंच जाते हैं। मेरा ये कहना है, आप लोग जो चुनाव में करोड़ों रुपए खर्चा करते हो, तो कंटिन्यू आप गांव में कंटिन्यू हमारे लोगों को सुविधा दीजिए। अभी मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि मैं काफी समय से देख रहा हूं कि जब मान लीजिए कांग्रेस की सरकार थी या बीजेपी की सरकार थी, जब सांसद कांतिलाल भूरिया बने और दिलीप सिंह भूरिया भी बने और कितने विधायक अनंतपुर जिले के बने, उस समय से अभी तक पानी के टैंकर दो दो तीन तीन भरते ना बढ़ते ना, एक एक मोहल्ले में तीन तीन चार चार टैंकर हो जाते कि नहीं? और अभी आप देख लीजिए, जब शादियों का समय आया तो एक मोहल्ले में एक टैंकर भी नहीं मिला। बराबर मिला क्या? जो भी जनप्रतिनिधि बनता है, वो लोगों ने जो पूर्व में वक्ता लोगों ने बहुत सारी बातें बोली कि हमारा समाज एकत्रित नहीं है, हमारे समाज कई बटा, पार्टियों बटा। मेरा मानना है आपको जहां जब जाना चाहिए, लेकिन जब समाज की बात होती है तो एक जाजन पे बैठ जाइए, एक साथ खड़े हो जाइए। हर समाज का संगठन बना तो हमारे आदिवासी समाज का संगठन बनना था। नहीं हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोगों को बोलते हैं कि हमारे युवाओं को कुछ लोग भड़का रहे हैं, गलत दिशा दिखा रहे हैं। हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, भड़काने की बात होती क्या? हम रोजगार की बात करते हैं, भड़का रहे हैं क्या? हम लोगों को खाद बीज नहीं मिलता है तो हम रोडों पे खड़े होते हैं, हम भड़का रहे हैं क्या? ये काम आपके यहाँ जनप्रतिनिधि का काम है, यहाँ के कलेक्टर का काम है, हमारा काम नहीं है। लेकिन हमको आना पड़ता है मैदान में, हमें दुख होता है हमारे समाज के लिए, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन चिंता करने की बात नहीं भाई लोग, कम लोग हैं लेकिन अच्छे लोग हैं। आज बड़ी खुशी की बात है, ये हमारे जो दादा लोग बैठे दोनों दल के हैं और हम समाज के लोग हैं, इस प्रधान पे बैठे हैं। 2013 से जो हमने काम किया है उसका रिजल्ट आज हमारे को 2023 में मिल गया। इससे पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन आज इस सोनवा की धरती पे हुआ है। सब लोग एक साथ बैठे हैं, कहीं ना कहीं सब लोगों में समाज की सोच आई है। हम लोग मर जाएंगे लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी बोलेगी कि समाज के कुछ लोग थे जो समाज की बात करते थे, आज हम लोगों को हक अधिकार दे के चले गए। समय का ध्यान रखना मुझे, इसलिए मैं मेरी वाणी को